नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको हर फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके अंतर्गत UGC अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने निकाली है नेट 2020 के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत यदि आप नेट या GRF का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म 16 मार्च 2020 से प्रारंभ हो गए हैं, अर्थात आज दिनांक से भरना प्रारंभ हो गए हैं। तो यदि आप निर्धारित योग्यता रखते हैं और आप इस एग्जाम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जरूर आवेदन करें। आवेदन का लिंक हमने हमारी वेबसाइट www.sarkaririzultwala.com पर आपको यहां उपलब्ध करवाया है, साथ ही इसका फुल नोटिफिकेशन भी हमने यहां आपको उपलब्ध करवाया है। यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इस लिंक पर क्लिक करें और उसके बाद आपके सामने यह पोस्ट दिखाई देगी, जहां आपको UGC नेट के लिए इसका फुल नोटिफिकेशन प्लस इसका आवेदन करने का लिंक भी आपको यहां उपलब्ध करवाया गया है। तो आज ही आप इसकी यहां से आवेदन करें। साथ ही दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। साथ ही दोस्तों, यदि आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, UGC अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसके अंतर्गत आवेदन 16 मार्च अर्थात आज दिनांक से भरना प्रारंभ हो गए हैं। इसके लिए वर्ष में दो बार एग्जाम लिया जाता है, जिसके अंतर्गत जून सत्र की जो परीक्षा है वह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से आयोजित करवाई जा रही है। यह परीक्षा 15 से 20 जून 2020 के बीच आयोजित करवाई जाएगी और जिसका आयोजन नए फॉर्मूले बॉडी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ऑनलाइन CBT टेस्ट के माध्यम से इसका एग्जाम लिया जाएगा। GRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर और केवल सहायक प्रोफेसर के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा हर साल दो बार आयोजित करवाई जाती है। यह दो सत्रों में अर्थात जून और दिसंबर सत्र में आयोजित करवाई जाती है विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में। इन पदों के लिए चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को यह प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है, जिसे UGC नेट एग्जाम कहा जाता है। UGC नेट एग्जाम के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया आज दिनांक से प्रारंभ हो गई है। 15 से लेकर 20 जून के बीच NTA अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से नेट की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। योग्य अभ्यर्थी जो कि नेट GRF के लिए UGC की आधिकारिक वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने यहां आपको उपलब्ध करवाया है, आप नीचे जाकर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को देख सकते हैं। UGC नेट का जो पहला पेपर है वह 100 मार्क्स का होता है और दूसरा 200 मार्क्स का होता है। पहले प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न और दूसरे में 100 प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। दोनों पेपरों के लिए 3 घंटे का समय सीमा निर्धारित की गई है। हर प्रश्न के सही उत्तर पर अभ्यर्थी को 2 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनने का यदि आप सपना देख रहे हैं तो आपको नेट GRF UGC नेट का एग्जाम क्लियर करना बेहद आवश्यक होता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हमने आपको यहां उपलब्ध करवाई है, आप चाहें तो आप यहां से नोट कर सकते हैं और या फिर नीचे हमने लिंक दिया है, आप यहां लिंक पर क्लिक करके सीधे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है UGCNET.NTA अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी .NIC.IN। आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 अप्रैल 2020 रखी गई है। नेट के लिए जो एडमिट कार्ड है वह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर 15 मई तक उपलब्ध हो जाएंगे और 5 जून को इसका नेट एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। 5 जुलाई को इसका रिजल्ट आ जाएगा। इस प्रकार आप हमारे द्वारा बताए गए स्टेप को फॉलो करके आप UGC नेट 2020 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जो कि UGC डॉट
UGCNET.NTA.NIC.IN है, आप यहां से क्लिक करके भी सीधा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहां आपसे जो भी जानकारी मांगी जा रही है आप उसे फुलफिल करें और सबमिट करने के बाद सिस्टम जनरेट एप्लीकेशन नंबर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा और यह एप्लीकेशन नंबर का आपको एक मेल और SMS के जरिए भी आपको सूचित किया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको फोटो और साइन स्कैन करना है और उसके बाद आपको परीक्षा शुल्क का भुगतान करना है। इस तरीके से आप अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। नेट में अलग अलग विषय की तैयारी करने के लिए आपको इसका सिलेबस का बेहद ध्यान से पढ़ना होता है। नेट की दूसरा जो प्रश्न पत्र होता है वह सब्जेक्ट आधारित होता है, लेकिन उसमें सवाल जो पूछे जाते हैं बेहद ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को उस विषय की बेहद गहराई से उसका अध्ययन करना होता है और ताकि वह इन सवालों को समझ सके। परीक्षा की तैयारी के लिए आपको करंट अफेयर्स और सब्जेक्ट पर कमांड होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, यदि आप भी UGC नेट 2020 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप एक बार इसका फुल नोटिफिकेशन रीड करने के बाद आप इसके लिए जरूर आवेदन करें। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने आपको यहां उपलब्ध करवाया है और इसका फुल नोटिफिकेशन भी हमने आपको यहां उपलब्ध करवाया है। आप यहां से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। साथ ही अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sarkaririzultwala.com को विजिट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं। दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC द्वारा निकाला गया है। UGC नेट जून 2020 का ये सार्वजनिक सूचना है। दिनांक 16 मार्च 2020 से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक स्वतंत्र, स्वायत्त और आत्मनिर्भर स्वपोषित प्रमुख परीक्षा संगठनों के रूप में की गई है। यहां बताया गया है कि UGC नेट के माध्यम से अगला UGC नेट जो है वह 15 जून से 20 जून 2020 के मध्य आयोजित करवाया जाएगा, जिसके द्वारा कनिष्ठ शोध अध्यावर्ती और सहायक प्रोफेसर के लिए यह पात्रता परीक्षा होगी, जिसके अंतर्गत दो प्रश्न पत्र होंगे। दोनों के अंक 100 और 200 मार्क्स के होंगे। प्रश्नों की संख्या, प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहु वैकल्पिक होंगे, अर्थात MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा सेकंड पेपर जो होगा उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा, पूर्णांक 200 मार्क्स होंगे और वह भी मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन होगा। प्रथम पारी समय सीमा 3 घंटे की होगी। प्रातः 9:30 से 12:30 तक आपको समय दिया जाएगा। द्वितीय पारी जो भी 3 घंटे की होगी और 2:30 से 5:30 तक का समय आपको दिया जाएगा। टोटल समय अवधि प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे की निर्धारित की गई है। यह एग्जाम कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, अर्थात CBT बेस्ड यह एग्जाम होगा। आपका एग्जाम ऑनलाइन कंप्यूटर पर लिया जाएगा और इसके लिए 16 मार्च 2020 से आवेदन भरना प्रारंभ हो गए हैं। 16 अप्रैल 2020 रात्रि 11:50 तक आपको समय दिया गया है। परीक्षा शुल्क का भुगतान 17 अप्रैल तक आप कर सकेंगे और ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन फीस जमा करानी होगी। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा UGC नेट 2020 के संदर्भ में। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sarkaririzultwala.com को जरूर विजिट करें। और हमारा यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपके द्वारा वीडियो को लाइक किए जाने से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, हम और अधिक ऐसे वीडियो लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यदि आपने, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली समस्त वीडियो की जानकारी
समय पर प्राप्त होती रहे। इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sarkariresultwala.com को भी यह लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नई अपडेट हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर करें, आपको इसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, हमारी इस वेबसाइट को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।